नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिना यूएसबी केबल, बिना कोई मेमोरी कार्ड और बिना कोई वायर के इंस्ट्रूमेंट से कैसे मोबाइल से लैपटॉप या आपके पीसी और पीसी से मोबाइल को फाइल्स, बड़े बड़े फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र करें। ये कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग ऑफिस लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, उनको एक्सेस नहीं होता है, उनका यूएसबी कनेक्शन भी डिसेबल होता है, होता रहता है, और उनका पेन ड्राइव और एसडी कार्ड कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो परेशान होते रहते हैं क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो और फोटोज़ तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेल थ्रू। अगर कोई बड़े बड़े वीडियो से 1 GB, 500 MB, इतने बड़े वीडियो से, वो बहुत मुश्किल होता है आपको लोड करने के लिए। इसीलिए मैं एक आसान तरीका आपको बता सकता हूँ। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, आपके घर में एक अच्छा स्पीड का वाईफाई कनेक्शन है, अगर 20 MBPS के ऊपर का वाईफाई कनेक्शन है, तो आप बहुत आसान तरीके से आपके किसी भी तरह के फाइल्स मुफ्त में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई वायर और किसी स्टोरेज डिवाइस जिसकी ज़रूरत से। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है स्विच, स्विच वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र। ये मैंने ऑलरेडी मेरे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया है, इसीलिए मैं जस्ट ओपन करता हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको भेजता हूँ। ये ओपन होते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें सेटिंग्स है, शेयर है और स्टॉप स्टार्ट बटन है। ये ऊपर का एक कोड है, वो है ये ऊपर जो दिया हुआ है HTTP स्टार्ट हुआ है, वो इसका IP एड्रेस है। वो ये अगर वो ये एड्रेस आपके लैपटॉप या आपके पीसी में, ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी में ब्राउज़र में ये ऊपर का एड्रेस टाइप करें, तो आपका वो स्क्रीन दिखाई देगा। चलिए देखते हैं वहाँ, चलिए उधर, चलिए ये एड्रेस वहाँ डाल के हम चेक करते हैं बाद में कैसे वर्कआउट होगा।